बहुत अच्छे बच्चों, तुम सबके खेल और जज्बे को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि कल का मैच हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये! बेचारा बालवीर, नहीं जानता वो कि हम खेल में प्रयोग करेंगे अपनी जादुई शक्तियाँ जिससे हमारी जीत तय है और फिर हम पिपी लोक के गोले को कर देंगे नष्ट। ये भी है स्पष्ट। डुबा डुबा पांच फेंको तेज गेंद। अरे हाँ हाँ, डुबा डुबा तीन। हाँ हाँ, जल्दी रुको। अरे क्या कर रहे हो डुबा डुबा एक तुम? अरे मारने के लिए गेंद है, चाहिए शक्ति। गए समझ? अब डालो तुम गेंद, जाओ पीछे। हाँ बराबर डालो। ये है बेपक्का छक्का। वो खेल रहे तुम नटखट परी से जादू गेंद लेकर? हाँ, जैसे तुम खेल रहे हो नटखट परी से जादू बल्ला लेकर। अब है बल्लेबाजी की बारी मेरी। हेटिक हेटिक। रानी परी, नटखट परी सच में बहुत नटखट है। देखा कैसे नए नए और अनोखे आविष्कार करती है। बालवीर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी कल की प्रतियोगिता को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है? इसका मतलब आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हैं, है ना बालवीर? हाँ रानी परी, क्योंकि एवीपी विद्या मंदिर के बच्चे शरारती लोक के वासियों से ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजा हसमटोल के दल को आसानी से हरा देंगे और पृथ्वी लोक को भी बचा लेंगे। क्योंकि इस प्रतियोगिता के बारे में या तो हमें या फिर परग्रही वासियों को ही पता है, इसलिए हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो जो भी है, अच्छा अब हमें बस उन एलियंस को हराकर अपनी धरती को बचाना है। और हाँ, मैं धरती को बचाकर सबकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। ओ हीरो बनने वाले, चल अपनी लेस बांध ले वरना गिर जाएगा कहीं। बच्चों मानो मैं
राजा अस्मटोल, ये प्रतियोगिता 10-10 ओवर की होगी। जो भी अपनी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाएगा वही जीतेगा। अब सिक्का उछल कर देख लेते हैं कि कौन पहले क्या करेगा। इक्का इक्का इक्का, ये है शरारती लोग का सबसे पुराना सिक्का, क्योंकि इसकी एक तरफ है आज और दूसरी तरफ है बाद। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, आज या बाद? जीत गए हम टॉस। अब करेंगे हम थोड़ी चैटिंग। बॉलिंग ले या बैटिंग? बैटिंग हम करेंगे, बैटिंग। आल बाल चाल, तुम सबको है पूरी छूट। करो अपनी शक्तियों का जमकर प्रयोग। ओला ओला ओला, छल से या बल से, मुझे चाहिए हर कीमत पर ये पृथ्वी लोक का गोला। बालवीर, तुमने तो कहा था कि एलियन से जीतना आसान होगा, लेकिन अब तो उन्हें देखकर समझ में आ रहा है कि इनसे मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, तुम सबने वो कहावत तो सुनी होगी, थोथा चना बाजी गरना। मतलब बेवकूफ, तुझे इस कहावत का मतलब पता नहीं है? तो आप बता, थोथा चना बाजी गरना का मतलब है थोथा चना बाजी गरना। मोंटू, तू टेंशन में चुप रहेगा या मुझसे पिटेगा? चुप रहूंगा बेटा। इस कहावत का मतलब है, जो लोग खोखले होते हैं वो शोर ज्यादा करते हैं, जैसे कि ये परग्रहवासी। पर बालवीर, पता नहीं उन्हें देखते ही जी खट्टा हो जाता है। नहीं नहीं, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, हमें इनका मुकाबला करना होगा और वो भी जी जान लगाकर। हमारी पृथ्वी को किसी भी हाल में बचाना होगा। ये लो मनीष, ऐसी गेंदबाजी करना कि दुश्मन के छक्के छूट जाए। सामने आओ दशात और फौलाद। उंगी उंगी उंगी, जाओ और अपनी बैटिंग से बजा दो इन पृथ्वीवासियों की पुंगी। बैठ दो। पता है, आज हमें काम करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा। लेकिन डरी परी, हम थोड़ी ना कोई काम करने जा रहे हैं, हम तो यहाँ आराम से बैठकर खेल प्रतियोगिता का आनंद लेने जा रहे हैं। ये! आप परियों, आपके
साथ साथ लेंगे हम भी खेल का आनंद, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। वो कैसे? होगा जैसे ही विद्रोही दल का कोई खिलाड़ी धराशाय, करेंगे हम नृत्य ऐसे, और करेंगे बालवीर की हौसला अफजाई। चलो चलो डुबा डुबाओ, अब अपने अपने जगह पे बैठो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ठीक है। कोई बात नहीं मनीष, ये पहली बॉल थी, लेकिन आगे की 5 बॉल संभाल कर डालना, ठीक है? वेरी गुड। चलो मनीष, कम ऑन मनीष, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। चलो जाएगा जाएगा मनीष, कम ऑन, कम ऑन नाच नाच कर खुशियां मनाने का इस प्रतियोगिता में। डुबा डुबा एक, इस तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी तो प्रतियोगिता शुरू हुई है, अभी तो बहुत सा खेल खेला जाना बाकी है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ डुबा डुबाओ, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि ये खेल बालवीर का दल ही जीतेगा। दोस्तों सब एक तरफ आ जाओ, नील मैंने जिस तरफ सारे खिलाड़ियों को खड़ा किया है तुम उसी तरफ गेंद फेंकना, ठीक है? चलो कम ऑन नील, कम ऑन, कम ऑन नील, यू कैन डू इट, कम ऑन नील, यू कैन डू इट। मटोल ये सब क्या हो रहा है? चुप रहे।
मेरा मतलब खेल से, अब खेल में बेमानी कर रहे हैं, जादू का सहारा ले रहे हैं, ये नियमों के विरुद्ध है। थियम थियम थियम, नया लोग, नए लोग, नए नियम, हम तो ऐसे ही खेलेंगे, तुम्हें नहीं खेलना, तुम्हारी मर्जी। ला ला ला, खेलो हमारे हिसाब से, वरना हम गोला लेकर जाएंगे अपने घर। ठीक है राजा हसबंडोल, तुम्हें जादू का उपयोग करना है तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम चाहे जितने भी बेमानी कर लो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी। चलो बच्चों, खेल शुरू करो। डर गया। अरे इस दशात के लिए हम कैसे फील्डिंग सेट करें? ये तो अपने किसी भी हाथ से कहीं भी शॉट मार रहा है। मेरा तो इस ओवर को पूरा करने के बारे में सोच के ही जी खट्टा हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, ला बॉल दे, मैं तेरी ओवर कंप्लीट करता हूं। नहीं, नहीं। अरे यार ये तो फिर भी कुछ नहीं है, तेरे ओवर पे तो सब 4 जा रहे हैं, मेरे ओवर पे तो सब 6 जा रहे थे, फिर भी मैंने ओवर कंप्लीट की ना। चल अभी तू भी कर, कम ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.